लोकसभा चंद्रवा सीट से आप किस भाजपा को या कांग्रेस को वोट दी, आपको जो है पार्टी पसंद है, हम पूछेंगे जनता से, आम जनता से राय पूछेंगे। और हम पूछना चाह रहे हैं, हमारे साथ हैं एक आम नागरिक है जिससे हम पूछना चाह रहे हैं, आप बताइए मोदी जी सही है देश के लिए या राहुल गांधी? पत्रकार को दोनों ही सही है, पर उनमें से जो भी विचार करके जनता की सेवा करेगा उसी को वोट दी जाएगी। ये हमारे साथ एक आम नागरिक है जिन्होंने कहा है कि दोनों में से जो सही रहेगा उनको हम वोट देंगे, हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। अभी हमारे साथ एक और नागरिक है, इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप बताइए लोकसभा चुनाव है तो आप क्या देखते हैं मोदी जी को या राहुल जी को, क्या है बताइए आप? मेरा ये कहना है कि इन 70-80 वर्षों में जितना अच्छा कार्य नरेंद्र मोदी जी ने किया है उतना किसी नेता ने नहीं किया है, और हमारी आत्मा है कि हम सपोर्ट देंगे और सहयोग करेंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया कि हम नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करेंगे, उन्होंने अच्छा काम किया है। और भी हमारे साथ हैं आम नागरिक जिनसे पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि आप क्या विचार हैं आपके, आप बताइए आपका लोकसभा होशंगाबाद सीट से क्या मत है, भाजपा के फेवर में कि कांग्रेस के फेवर में? भाजपा के फेवर में ही, मतलब मोदी जी ही आएंगे इस बार। क्यों मोदी जी क्यों आएंगे, इनसे पूछो मोदी जी क्यों आएंगे, क्यों मोदी जी क्यों आएंगे, क्या कारण है क्यों आएंगे वो? उनका मतलब जो उनने एयर स्ट्राइक की है उसका कुछ अट्रैक्शन ज्यादा पड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, और भी जो ऐसे निर्णायक जो निर्णय करते हैं वो बिल्कुल करते हैं। इन्होंने बताया कि मोदी जी की जो एयर स्ट्राइक हुई है उसकी वजह से मोदी जी आएंगे। हमारे साथ और भी लोग हैं, आम नागरिक हैं, जनता जिनसे हम जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? कृष्णकांत कौरव। आप बताइए लोकसभा चुनाव आने वाले इसमें आपका मत जो है किस तरफ है? मेरा मत तो सरकार के फेवर में जाएगा जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करे। किसके फेवर में है अभी, क्या लगता है आपको मोदी जी आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, आना चाहिए। राहुल गांधी ने तो कहा है कि गरीब जनता को 20% गरीब जनता को 72,000 रुपए वार्षिक देंगे, तो क्या कहती है जनता, इससे फायदा नहीं होगा देश को? बिल्कुल बिल्कुल, हम पूछेंगे यहाँ पर जनता से पूछेंगे। हम पूछना ये चाह रहे हैं आपसे कि राहुल गांधी ने 72,000 रुपए गरीब जनता के लिए दिए हैं तो इससे फायदा नहीं होगा जनता को क्या? हम बता रहे हैं ना, उन्होंने घोषणा की है कि गरीब जनता को 72,000 रुपए देंगे, तो ये बड़ी घोषणा है। बड़ी घोषणा है, पर इसके सब वर्गों पर असर तो पड़ेगा, इसके कहाँ से देंगे वो भी, आम आदमी से, मिडिल क्लास फैमिली से ही वसूल करके टैक्स बढ़ाएंगे, आम आदमी को मिलेगा, मतलब कुल मिला के कहें आप ही की जेब से निकाल के आप ही को देंगे। अच्छा, इसी वजह से आप मोदी जी को जाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, जो अच्छा काम करेगा तो सब लोगों के बारे में सोचेगा, सबसे बड़ी बात, और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करेगा। और आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ मैं, तो आरटीआई जो लगी रहती है उनमें भी टाइम पे जानकारी नहीं मिलती है, तो इन पर कुछ पेनाल्टी भी शासन द्वारा ऐसे ऐसे कठोर कार्रवाई हो कि इसमें एक जल्दी से जल्दी जानकारी मिल जाए, क्योंकि ऐसे में भ्रष्टाचारी बहुत जल्दी बच जाते हैं, क्योंकि टाइम पे जानकारी नहीं मिलती, आम आदमी परेशान होता रहता है, शिकायतें व्यक्ति आम नागरिक जब शिकायतें देता है कोई भी विभाग में तो उसको पता ही नहीं चलता शिकायत पर कार्रवाई हुई क्या है। हमारे साथ यहाँ के कौरव जी, इन्होंने बताया है कि 72,000 रुपए राहुल गांधी ने जो घोषणा की है वो कहाँ से देंगे, वो हमारी जेब से ही देंगे, तो इनका कहीं ना कहीं मत है कि मोदी जी ही हमारे लिए बेस्ट प्रधानमंत्री हैं। हमारे साथ और भी आम नागरिक हैं जिनसे हम जानना चाह रहे हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं सरपंच है एक ग्राम के, इनसे पूछना चाह रहे हैं आप बताइए कि लोकसभा चुनाव है तो इसमें आप देश का प्रधानमंत्री किसके रूप में देखना चाहेंगे? जो विकास हुआ है, जो आज पीएम अपने महोदय मोदी जी उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी का छवि बनेगी, जो देश के प्रति उन्होंने जो गौरवशाली कार्य किया है वो हमारे लिए सराहनीय है, और हम फक्र करते हैं कि ऐसा ही प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए भविष्य को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ही बेस्ट है जी। यहाँ पर अमित जी, लोगों की यही राय है ज्यादातर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही जो है देश के लिए बेस्ट रहे हैं। और ये राहुल गांधी ने जो गरीबी के लिए नारा दिया है न्याय योजना, तो न्याय योजना उसके लिए भी हम पूछना चाह रहे हैं जो राहुल,
देश की जनता की यहाँ राय ये है कि जो 72,000 राहुल गांधी देना चाह रहे हैं वो कहाँ से देंगे, वो मिडिल क्लास या आप और हमारी जेब से ही डाका डाल के देंगे, ऐसा कहना है यहाँ हम जनता की। अभी हम जानना चाहेंगे, हमारे साथ एक और आम नागरिक हैं, इनसे हम पूछते हैं, आप बताइए जो राहुल गांधी ने न्याय योजना की घोषणा की है 72,000 रुपये गरीबों को देंगे, तो ये योजना कहीं ना कहीं प्रभावित करती है हम लोगों को? नहीं नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि इतना प्रभावित करेगी, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि ये जो 72,000 रुपए गरीबों को देंगे ये भी वैसे वही टैक्स वगैरह में बढ़ोतरी करेंगे, जो मिडिल क्लास है उन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा मेरा मानना। तो आपका कहना भी है कि मोदी बेस्ट रहेंगे? नहीं, फिर भी हाँ बोलू ठीक है, मोदी क्या आएंगे, मोदी जी ही जीता है। मोदी जी ने यहाँ पर सभी जनता की यही राय है, मोदी जी ने 2014 मैनिफेस्टो में कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, ये युवा हैं, क्या बताना चाहेंगे कि बेरोजगारी कितनी दूर हुई है? बिल्कुल, हम यहाँ पूछना चाह रहे हैं, हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था बेरोजगारी दूर करेंगे, कितने युवाओं को उन्होंने नौकरी दी, एक बड़ा सवाल है। अभी भी हमारी देश की जनता में युवा जो है बेरोजगार घूम रहे हैं, तो आप इस मुद्दे को लेके मोदी जी के साथ हैं क्या? बिल्कुल, मैं तो व्यक्तिगत रूप से मोदी जी के साथ हूँ, क्योंकि जिस गति से उन्होंने देश का विकास सुनिश्चित किया है अभी, और जिस तरीके से उन्होंने हर देशवासी को बताया है कि देश के प्रति सबकी जिम्मेदारी होती है, और जो काम अब तक कांग्रेस सरकार में नहीं हो पा रहे थे, लोगों के गरीबों के मकान नहीं बन पा रहे थे, स्वच्छता नहीं थी, शौचालय तक नहीं बना पाई सरकारें अब तक जो सरकार रही,